पलामू जिले के पाटन प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष रामानंद पांडे और उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने लगभग 5,50,00,000 की लागत से निर्मित प्रखंड कार्यालय पाटन का जर्जर भवन का जायजा लिया। 20 सूत्री अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भवन का शिलान्यास 2019 में वर्तमान सांसद विष्णुदयाल राम और पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर के द्वारा किया गया था। 5 साल पूर्व बने करोड़ों की लागत से अब ये भवन जर्जर स्थिति में हो चुका है। कई जगह पर भवन की छत से पानी का रिसाव होना शुरू हो गया है। कई कमरों की छत से सीमेंट भी टुकड़ों में गिरने लगा है। गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने की वजह से कई जगहों पर छत की बीम में भी दरार खुल चुकी है, तो वहीं संवेदक पर एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे कार्यों में संलिप्तता, दोषियों और संवेदक के खिलाफ उपायुक्त से मिलकर भवन में हुई गड़बड़ी को लेकर मांग की जाएगी। अगर समय रहते भवन की मरम्मत नहीं की जाती है तो फिर करोड़ों की लागत से बने भवन बेकार हो सकते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाटन पलामू से रामाशीष कुमार की रिपोर्ट। भवन तो क्यों ऐसा बहुत तत्काल में बना है, 19 में बना है और इतना जल्दी जो है सो भवन जर्जर हो गया। अभी कुछ समय के बाद खतरा भी इसमें उत्पन्न हो सकता है, इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं या जो आते हैं पब्लिक, खतरा का भी घंटी बज गया है। अब इतना जल्दी जो है तो इतना करोड़ों करोड़ का जो योजना है जिसके अंतर्गत ये भवन बना है, भवन तो साफ दिखाई पड़ता है कि इतना जल्दी में भवन का खराब होना, कहीं ना कहीं इसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी और खास करके इंजीनियरिंग विभाग का जो है भवन निर्माण में किसकी कमी झलक रही है, किसकी कमी इसमें है? इसमें राजनीतिक संवेदक है और इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, कनीय इंजीनियर से लेकर के उच्चाधिकारी तक, इसमें उन्हीं का रोल है। भ्रष्टाचार इसमें पूर्ण रूपे न हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हर जगह से पानी टपक रहा है और प्लास्टर जो है सो गिर रहा है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, कब किया गया? इनके द्वारा उद्घाटन, जो इनका पट लगा हुआ है, जो ब्लॉक कैंपस में जो उद्घाटनकर्ता का पट लगा हुआ है, उसमें सांसद विष्णु दयाल राम और वर्तमान विधायक राधा कृष्ण किशोर का दर्शाता है, पूर्व विधायक का। तो इनकी भी जिम्मेवारी थी कि इस भ्रष्टाचार को अपने समय में फलने फूलने न देते। अगर उस समय इस तरह की कुछ वो अपना स्तर से कार्रवाई किए रहते तो ये स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी इसमें कमी दिखाई पड़ता है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग और अधिकारियों और संवेदक के मिली भगत से इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुआ है, जो कि साफ दिखाई पड़ता है। इसको किसी को मशीन से देखने की जरूरत, दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं है, आदमी खुद देख सकता है नंगी आंखों से कि इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, कि शिष्टाचार हुआ है, लेकिन उसका प्रमाण भवन है। महागठबंधन की सरकार है, अभी क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? कार्रवाई इसका जांच कर इस पर कार्रवाई की जाए, संवेदक जो है सो उसको ब्लैक सूची में डाला जाए, इंजीनियरों पर FIR किया जाए, उनसे रिकवरी किया जाए। हमारे स्तर से इसके लिए ऊपर पत्राचार किया जाएगा, इसके बारे में सूचित किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा उच्च अधिकारी नेतृत्व को कि इस तरह की स्थिति है, इस भ्रष्टाचार को देखते हुए, उजागर करते हुए दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए। बिना दंड के शासन ठीक तरह से नहीं चलता है।